साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बन चुका है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही हैं और विकास की कहानी बयां कर रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक नगरी भी कहा जाता है। वही गुरुग्राम के पार्कों के सौंदर्यकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड का जब हमने जायजा लिया तो धरातल पर पार्क की हालत खस्ता देखने को मिली। गुरु गोविंद सिंह पार्क की हालत कई सालों से ऐसी ही बनी हुई है, जहां पार्क नशेड़ियों और जुआ खेलने वालों से भरा हुआ है, या यूं कहें कि ये इन सभी का अड्डा बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालत कई सालों से ऐसी है और पार्क के सौंदर्यकरण को लेकर निगम अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालात जस के तस बने हुए हैं। ये जो गुरुद्वारा साहब का जो ये गुरु गोविंद सिंह जी पार्क के नाम से ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पर देखो सब लोग कितने ताश जुआ खेल रहे हैं, सारे चमकिए नशे वाले बंदे यहाँ अंदर बैठते हैं, और पता नहीं कितनी सैकड़ों कंप्लेंट्स मैं अपना उधर MCG कमिश्नर ऑफिस में दे चुका हूँ, बहुत लेटर दे चुका हूँ, मेरे पास सारी रिसीविंग है, लेकिन कोई इसके लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। अभी तो इधर तो कोई भी नहीं है, इनको अपना ये जो पार्क है इसके लिए तो इनको अपना कोई ना कोई तो आदमी कोई ना कोई छोड़ना चाहिए ना जी। माली कोई गार्ड रूम नहीं बना हुआ, छोटा सा कोई गार्ड रूम हो, छोटा सा वहाँ आदमी रह जाए, हम आदमी भी चलो आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए ना। गुरु गोविंद सिंह नाम से पूरे गुरुग्राम में एक ही पार्क है जिसकी हालत काफी दयनीय है। सबसे अमीर कहे जाने वाले निगम ने इसका सौंदर्यकरण अब तक नहीं किया। पार्क में दिन दहाड़े लोग जुआ खेलते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि थाना पार्क से महज 400 मीटर की दूरी पर ये पार्क स्थित है। देखो जी, मैं काफ़ी समय से इस पार्क में मेरा आना जाना है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन से पहले जो पहले इसमें कुछ काम की प्रक्रिया हो रही थी, फिर बीच में रुक गई, और इस वजह से जो है ना यहाँ के जो कुछ आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के ऐसे बड़े बूढ़े तो बैठ जाते हैं, पर वो सहूलियत नहीं हो पा रही। अगर और बीच में फिर थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर रुक गया, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि पार्क की हालत कैसी हो रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां पार्कों के सौंदर्यकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम के इस न्यू कॉलोनी मोड के पार्क में किस तरह से बदहाली का आलम है। कई साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि पार्क की सूरत बदलेगी, यहाँ पर हरियाली नजर आएगी, लेकिन निगम के उदासीन रवैये ने लोगों की मंशा पर पानी फेर दिया। लोग चाहते हैं कि पार्क का सौंदर्यकरण किया जाए और वहाँ पर असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम के गुरु गोविंद सिंह के नाम से बने इस पार्क में कायापलट कब तक होता है। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की।